तो वेलकम फ्रेंड्स ऑन गेमिंग गियर्स एंड गैजेट्स। आज हम दक्ष मिश्रा के साथ एक पीसी असेंबल करने वाले हैं और दक्ष ने एक बहुत ही शानदार कॉन्फ़िगरेशन अपने लिए सिलेक्ट करी है। वीडियो में आप आगे देखेंगे कि क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन हम इसमें यूज कर रहे हैं। तो मैं दक्ष से पूछना चाहूंगा कि दक्ष, आपने ये इतना हाई एंड पीसी का कॉन्फ़िगरेशन क्यों सिलेक्ट किया? मैंने हाई एंड कॉन्फिडेंट पीसी का पार्ट इसलिए चूज किए हैं क्योंकि ये गेमिंग के लिए बहुत अच्छे हैं और इनके जो है मल्टीपर्पज है। मेरे पास प्ले स्टेशन है लेकिन उसमें सिर्फ गेमिंग हो सकती है, लेकिन ये मल्टीपर्पज मुझे काफी चीजों में मदद करेंगे। जैसे हमारे पहले वीडियो में भी हमारे जो यूजर थे, जो हमारे गेमर थे, वो पहले प्ले स्टेशन प्रो पे ही गेमिंग करते थे और बाद में जब उन्हें लगा कि वो एक्सपीरियंस जो वो चाह रहे हैं वो नहीं मिल पाया, देन दे स्विच इट टू अ पीसी। तो ऐसे ही दक्ष ने एक स्टेप ऊपर जाके और बेहतर पीसी बनाया है। तो लेट अस सी कि क्या कॉन्फ़िगरेशन है और बने रहिए आप गेमिंग गियर्स के साथ। तो ये हैं हमारे फ्रेंड दक्ष मिश्रा और दक्ष ने अपने लिए एक शानदार पीसी सिलेक्ट किया है। तो दक्ष ले रहे हैं Core i9 9th generation का प्रोसेसर with MSI Z390 gaming pro carbon motherboard with 2060 super RTX 8GB graphics of Galaxy Pad with 64GB DDR4 3000Hz की RAMs। This is a very nice configuration। साथ में हम जा रहे हैं 500GB SSD के साथ with 2TB of HDD space for storage। साथ में लगवा रहे हैं हम Wi-Fi और इसके अंदर हम use करेंगे 750W का Cooler Master SMPS। इसके साथ ये यूज़ कर रहे हैं हर गेमर की चाहत Logitech G सीरीज़ के कीबोर्ड माउस G502 गेमिंग माउस और G512 गेमिंग कीबोर्ड विद मल्टी कलर RGB। इसके साथ ही इन्होंने एक गेमिंग हेडफोन लिया है विच इज़ ऑफ एंटेक ई-स्पोर्ट्स और साथ में ये ले रहे हैं एक स्पीकर फॉर गुड साउंड क्वालिटी FND और 24 इंचेस में LG का 4K मॉनिटर। दिस इज अ 4K IPS पैनल विद AMD फ्री सिंक और सारे फीचर्स हम आगे देखेंगे कि क्या क्या हैं। साथ में स्ट्रीमिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं Logitech कैमरा एंड विंडोज 10। सो दिस इज़ अ वेरी नाइस कॉन्फ़िगरेशन। अगर मैं होता दक्ष की जगह तो मैं अभी ज़रूर यही स्पेसिफिकेशन सिलेक्ट करता अगर मेरे पेरेंट्स अलाउ कर देते तो। सो लेट अस मूव टू नेक्स्ट स्टेप नाउ। तो हियर इज आवर कैबिनेट और ये है एंटेक का फुल ग्लास BA601 कैबिनेट और देखने में बहुत ही बढ़िया कैबिनेट है विद RGB एंड ऑल। आइए दक्ष हम इसे खोलते हैं। तो दिस इज एंटेक 610 विद ए फुल टेम्पर्ड ग्लास। फ्रंट में बेजल है, अभी कैबिनेट जब ऑन होगा तो इसका लुक और भी ज्यादा निकल के आएगा। तो लेट अस सी कि अब आगे की असेंबलिंग कैसे चलती है। अब हम इसमें लगाएंगे हमारा सेकंड पार्ट विच इज पावर सप्लाई। तो यहाँ जो हमने पावर सप्लाई यूज करा है दैट इज आल्सो वन ऑफ द बेस्ट इन द सेगमेंट, दैट इज 750W ऑफ कूलर मास्टर। इट इज 80+ ब्रॉन्ज और इतने हैवी कार्ड और प्रोसेसर को संभालने के लिए एक अच्छा पावर सप्लाई होना जरूरी है। तो लेट अस ओपन इट। तो दक्ष हमारी हेल्प करेंगे इसे खोलने के लिए। आराम से खोलना भाई, लगना जाए। दिस इज द स्पेस जहाँ हम अपना SMPS पावर सप्लाई फिक्स करते हैं और पावर सप्लाई इसे हम लगाते हैं। अब दक्ष आ गए हैं कैमरे के पीछे। 750W में फ्लेक्सिबल केबल्स होती है, एडजस्टेबल केबल्स, तो हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही केबल उसमें लगाएंगे।
तो हमें यहाँ जरूरत पड़ेगी, जो केबल एक्स्ट्रा होगी वो हम इसमें नहीं लगाएंगे। तो क्या क्या आता है इसके साथ पहले हम वो देख लेते हैं। दिस इज अ केबल फॉर आवर ट्रैफिक कार्ड, तो ये हमें जरूरत पड़ेगी भुवन। दिस इज अ केबल फॉर अनदर ग्राफिक कार्ड, तो हमें दो की जरूरत नहीं है तो एक हम रख देते हैं। दिस इज अ केबल फॉर हार्ड ड्राइव, तो ये हमें जरूरत पड़ेगी। अच्छा, मदरबोर्ड और सीपीयू का ही है, तो फिर हमें यहाँ दो एक्स्ट्रा केबल्स की जरूरत पड़ेगी, और ये दो केबल्स हम रख रहे हैं उठा के फॉर फ्यूचर यूज। तो कम केबल लगने से बेनिफिट ये है कि हमारा कैबिनेट ज़्यादा मैसी भी नहीं नजर आएगा। तो ये हमने लगा दिए केबल्स, और ये हो गया हमारा पावर सप्लाई सेट। फोर स्क्रूज पे ये सेट हो जाएगा। तो ये अब हमारा पावर सप्लाई फिट हो गया, हम लगाने वाले हैं दैट इज आर प्रोसेसर। अब अदर बोर्ड के अंदर प्रोसेसर को फिक्स करेंगे। तो दक्ष हमारे लिए ओपन करेंगे अपना i9 प्रोसेसर एंड MSI Z319 गेमिंग प्रो कार्बन मदरबोर्ड। दीज आर द केबल्स, देखिए अभी व्लॉगिंग सीख गए हैं। डीवीडी एंड वेरी नाइस दक्ष, कुछ सपोर्टिंग पेपर्स आए हैं साथ में, और ये नट्स हैं फॉर SSDs एंड अदर। और दिस इज आर मदरबोर्ड, इसमें अगर देखें तो बहुत सारे हीट सिंक्स हैं हमारे पास। यहाँ पे 4 रैम्स लगाने के लिए जगह है, जो कि दक्ष की मदरबोर्ड में चारों यूज हो जाएंगी। दक्ष एक बार पहले प्रोसेसर और खोलेंगे। एंड दिस इज आवर प्रोसेसर। दक्ष कैसा लग रहा है अपना पीसी असेंबल करने में आपको? बहुत ही अच्छा लग रहा है। देखिए जब एक बच्चा थोड़ा सा मैच्योरिटी आता है, तो आजकल के ट्रेंड में उसकी फर्स्ट जो चॉइस होती है दैट इज़ गेमिंग। और ये कोर i9 प्रोसेसर है, यूजुअली कोर i9 प्रोसेसर एक्सटर्नल फैंस के साथ लगाए जाते हैं, तो इस बॉक्स में कोई फ़ैन नहीं निकला है। तो बेसिकली जो प्रोसेसर लगाया जाता है वो मदरबोर्ड के इस वेंट पे लगाया जाता है, इस वाले सॉकेट में लगाया जाता है। और इस सॉकेट के अंदर बहुत सारे पिन्स होते हैं, और ये पिन्स अगर एक बार डैमेज हो गए तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इस तरह से ये हमारा प्रोसेसर लग जाएगा इस तरीके से, और इसका जो ये ब्लैक पोर्शन है ये हम निकाल लेंगे। एंड दिस इज हाउ इट गोस, ये हमारा प्रोसेसर लग गया है। अब हम इस मदरबोर्ड को पहले कैबिनेट में सेट करेंगे, ठीक है। अब हम ये बोर्ड लगाएंगे अपने कैबिनेट में। हमें ये देखना होगा कि कैबिनेट के जो ये वेंट्स हैं ये ठीक से आ जाए। नाइस, और अब फिर हम स्क्रूज लगा देंगे इसमें। अब नेक्स्ट चीज जो हम इसमें लगाने वाले हैं वो है हमारा कूलर। नेक्स्ट पार्ट इज कूलर, विच इज एंटेक ट्यून 240, और दक्ष हमारे लिए इसे ओपन करने वाले हैं। इसके अंदर क्या क्या निकलता है? इसके अंदर निकला एक मैनुअल, यहाँ पे निकला है ये दो फैंस जो कि हमें इसमें माउंट करने होंगे, एंड ये इसकी टूल किट है जिसके अंदर इसका RGB कंट्रोलर, इसके कलर्स, और ये प्रोसेसर पंप है। यस करेक्ट, और दिस इज इट्स किट जिससे कि हम इसे स्क्रू करेंगे। तो सबसे पहले हमें इसके अंदर ही फैंस लगाने होंगे। टू असेंबल दिस इज ऑल्सो ए बिग चैलेंज, और ये आप मान के चलिए कि एक पूरे PC को असेंबल करने जैसे ही है। तो हम इसमें दो कूलिंग फैंस लगाएंगे पहले, हमें खोलते हैं।
लक्ष्य इज वेरी सपोर्टिंग और बहुत ही अच्छा चल रहा है इनका। मुझे लग रहा है इससे नेक्स्ट पीसी जब आप बनवाओगे तो आप तो खुद ही बना लोगे। ये अपने आप में ही बहुत बड़ा पार्ट है, इसे कंट्रोल करना इट्स वेरी टफ बिकॉज ये ही हमारे प्रोसेसर को पावर देगा एक तरीके से और उसे कूल रखेगा, मतलब उसकी परफॉर्मेंस में इसका बहुत बड़ा रोल है। Here we go. तो ये हमारे कूलर फैन पे ये अटैच हो गए फैंस और अब हम इसे कैबिनेट में माउंट करेंगे। पहले हम देख लेते हैं इसके साथ क्या क्या है। तो यहाँ देख लेते हैं, दिस इज द केसिंग जो कि प्रोसेसर के बैक साइड से इसे होल्ड करेगा। ये फ्रंट साइड, ये भी बैक साइड है। ये प्रोसेसर के ऊपर है, ये भी है, ये भी प्रोसेसर के ऊपर, और ये प्रोसेसर के नीचे से ये प्रोसेसर के नीचे से और दीज आर द बॉटम स्क्रूज जो इसमें लगेंगे और हमें इसकी शेप के हिसाब से कसना होगा। तो अब हम कूलर को कैबिनेट में फिट करते हैं, फैन को इस कैबिनेट में अटैच करेंगे और उसके लिए हमें इसका ये मैग्नेटिक फ्लैप हटाना पड़ेगा और इसे सेट करना होगा एज पर कन्वीनियंस। इस तरीके से हम इसे रखते हैं, स्क्रूज जो है इसके अच्छे से टाइट कर देने होते हैं। हमने इसका बेसिकली इसलिए लिया है इस तरीके से जिससे कि वायरिंग ज़्यादा जगह ना फैले। हमने जो उसका प्लेसमेंट किया है कूलर का वो इस तरह से किया है कि इसके पाइप्स जो है वो कैबिनेट में ज़्यादा ना फैले। अब ये कुछ वायर्स हैं जो कि होते हैं हमारे पावर के वायर्स, इसे हम बाद में सेट करेंगे, इन्हें सेट करेंगे। अब दक्ष हमारे लिए अनबॉक्स करेंगे अपना गैलेक्स का OC वर्जन GeForce RTX 2060 सुपर विद 8GB ग्राफिक मेमोरी। ये होता है हर किसी का चाइल्डहुड ड्रीम। तो दिस इज गैलेक्स RTX 2060 सुपर इन 8GB और इस तरीके का एक ग्राफिक कार्ड होना हर गेमर का सपना होता है। और अब ये इस पीसी का हार्ट, अब हम इस पीसी में फिट करते हैं। आइए हमें हमेशा ही ग्राफिक्स कार्ड के जो स्लॉट्स होते हैं, जो यहाँ पे स्क्रूज होते हैं ना, वो अच्छे से टाइट करने चाहिए वरना ग्राफिक कार्ड हिलता है अपनी जगह से और उसकी वजह से डिस्प्ले जाने के चांसेस रहते हैं। अब ये हमारा पीसी ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। हमने इसमें कूलर फैन CPU, GPU सब लगा लिए हैं, बस अब जो रह गया है दैट आर RAMs और RAM लगते ही ये कंप्लीट हो जाएगा। और अब दक्ष हमारे लिए RAM ओपन करेंगे। और RAMs हमारी निकल गई हैं, अब 4 RAMs
टोटल मिला के हम 64 GB रैम यूज़ कर रहे हैं, तो हमने 16 GB के 4 स्लॉट्स यूज़ करे हैं यहाँ पे। और अब हम इन्हें लगाएंगे यहाँ पीसी, एंड आफ्टर दैट वी विल चेक द डिस्प्ले। अब हम इसमें SSD लगाएंगे विच इज़ 500 GB WD ब्लू ड्राइव। Here is our drive, WD 500 GB SATA SSD. इसे हम लगा। और अब हम अनबॉक्स करेंगे अपने विंडोज को। अब हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं कीबोर्ड माउस की। ये माउस, कुछ पेपर, वन ऑफ द बेस्ट माउस फॉर गेमर्स। बहुत ही सुंदर और स्लीक डिजाइन, मल्टी बटन्स विद मल्टी कंट्रोल्स, बहुत ही बढ़िया। अब हम अनबॉक्स करने वाले हैं कीबोर्ड। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी कीबोर्ड इन मार्केट। Logitech G सीरीज का 512 कीबोर्ड, RGB, और ये RGB है, एक है ये नहीं, RGB है। आइए इसे यूज करते हैं। और अब ये अनबॉक्स करने वाले हैं अपना स्ट्रीमिंग वेबकैम, Logitech वेबकैम C310। इट्स एन HD कैमरा। दिस इज आवर वेबकैम Logitech, which is one of the best in its series. It is LG 24UD58 model, और ये है 4K 3840x2160 resolution. ये रही हमारी स्क्रीन। इसमें सारे बोर्ड्स हैं। इसके अंदर स्पीकर आउट का पोर्ट है, HDMI, दो HDMI है, एक DP पोर्ट है और पावर के साथ है। इसकी ड्राइव सीडी है, यहाँ पे हमें दो HDMI केबल्स मिले हैं, 1H पावर केबल, और ये केबल मैनेजर है विद नट्स। This is a D-Link Wi-Fi जो कि हम इस PC के अंदर लगाने वाले। तो अभी ये हमारा PC तैयार हो गया है। Beautiful fans speed के साथ। मल्टी कलर RGB में 2060 सुपर के साथ। हमारा स्पीकर एंड हेडफोन, फुल कलर RGB कीबोर्ड, Logitech 512, G502 mouse, और अभी हम यहाँ गेम प्ले हो रहा है। तो ये हमारा PC है विद i9 प्रोसेसर और दस साल के दक्ष मिश्रा ने ये PC लिया है, और इट्स अ डीम PC फॉर एवरी गेमर, वन ऑफ द बेस्ट कॉन्फिग के साथ है। तो
दैट इज़ ऑल फॉर टुडे दोस्तों, और बहुत अच्छा बिल्ड रहा है, दक्ष भी काफ़ी इंटरेस्ट के साथ इसे बिल्ड कर रहे थे. फॉर मोर डिटेल्स आप जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल पे और फॉलो करें हमें गूगल, फेसबुक, इंस्टा पे. फॉर एनी टाइप ऑफ क्वेरी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ऑन गेमिंग गियर्स एंड गैजेट्स.